दोस्तों नमस्कार, आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओ माई गॉड 2, गदर 2 और जेलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों एक तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात कर रही है। इस फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताह भी बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों दूसरी तरफ अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 भी गदर 2 को टक्कर दे रही है और बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं तीसरी तरफ रजनीकांत सर की फिल्म जेलर भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा मचा रही है। इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे सप्ताह भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है और कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए और कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों फिल्मों में से आपकी सबसे बेस्ट मूवी कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम रजनीकांत सर की फिल्म जेलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो इस फिल्म ने इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर 241 करोड़ से ज़्यादा की नेट कलेक्शन करी है और अपने दूसरे सप्ताह में एंट्री करते हुए आठवें दिन 11,27,00,000 का इंडिया नेट कलेक्शन किया है। फिल्म ने नौवें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 10,56,00,000 का, वहीं अपने दसवें दिन यानी शनिवार का जबरदस्त फायदा उठाते हुए 16,40,00,000 की इंडिया नेट कलेक्शन किया था। वहीं 11वें दिन यानी संडे को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 20 करोड़ का नेट कलेक्शन करने जा रही है और इसी के साथ इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में 299 करोड़ का नेट कलेक्शन कर रहा है। इस तरह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर हो चुका है। अब आते हैं दूसरी फिल्म ओ माई गॉड 2 पर। तो दोस्तों अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 के सामने डटकर खड़ी है और शानदार कलेक्शन कर रही है। फिल्म रिलीज के पहले लोगों का मानना था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2 से 3 दिन में ही सिमट जाएगी और बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ओ माई गॉड 2 फिल्म के अक्षय कुमार और उनके टीम को मानना पड़ेगा क्योंकि इस फिल्म ने गदर 2 के सामने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन कर रही है। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर 10,26,00,000 की शानदार ओपनिंग ली थी और अपने पहले हफ्ता में बॉक्स ऑफिस पर लगभग 85 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। फिल्म अपने दूसरे सप्ताह में एंट्री लेते हुए 8वें दिन 6 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, 9वें दिन यानी दूसरे शनिवार को 11 करोड़ का कलेक्शन किया, जो हम लोग के उम्मीद से बहुत ज्यादा है। इस फिल्म ने 10वें दिन यानी अपने रिलीज के दूसरे होलीडे को बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ का शानदार कलेक्शन करने जा रही है। इस तरह से अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 ने 10 दिनों में टोटल 117 करोड़ का शानदार इंडिया नेट कलेक्शन करने जा रही है। आप लोग को बता दें कि यह फिल्म अपने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी है क्योंकि इस फिल्म की बजट लगभग 75 करोड़ से भी कम की है। हालांकि ये ऑफिशियली बजट नहीं है, इससे कम या ज्यादा हो सकती है। अब आते हैं सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 के बॉक्स ऑफिस के इंडिया नेट कलेक्शन पर। तो दोस्तों इससे पहले बता दें कि इस फिल्म ने 100 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़कर चकनाचूर कर दिया है। इस फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताह में ही शाहरुख खान की पठान हो या सलमान खान की बजरंगी भाईजान, सभी को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया है। फिल्म के नाम गदर तो है ही, लेकिन इस फिल्म की कारनामे भी गदर मचाने वाली है। इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 41 करोड़ से धमाकेदार ओपनिंग करी थी, जो सभी को हैरान कर देने वाली कलेक्शन थी। लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में ही इंडिया में 284 करोड़ से ज्यादा के कलेक्शन करके बॉलीवुड की बाकी कलाकारों को रातों की नींद उड़ा दी थी। गदर 2 के कमाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म अभी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सप्ताह तक बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली है। तो दोस्तों इस फिल्म के दूसरे सप्ताह में एंट्री लेते हुए 8वें दिन की बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ तो फिल्म की पहले दिन भी 20 करोड़ की ओपनिंग नहीं मिलती है, लेकिन इस फिल्म ने तो 8वें दिन भी 20 करोड़ की कमाई करी। लेकिन दोस्तों 9th डे की कलेक्शन तो हमें भी चौंका दिया। हमने तो सोचा था कि अपने 9वें दिन यानी शनिवार को 22 से 24 करोड़ की कलेक्शन करेगी, लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने अपने 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर इंडिया नेट कलेक्शन 31,50,00,000 की करी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, फिल्म ने अपने 9वें दिन 31,50,00,000 की किया है, जो पूरी तरह से खतरनाक कलेक्शन थी। अभी भागो मत, अभी तो इस फिल्म की 10वें दिन की यानी रविवार का कलेक्शन जानना बाकी है। तो दोस्तों 10वें दिन की ऑक्यूपेंसी पहले दिन से भी ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही सुना, आज से पहले ऐसा बॉलीवुड में कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों 10वें दिन यानी रविवार को इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया नेट कलेक्शन लगभग
43 करोड़ की कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ गदर 2 के अब तक बॉक्स ऑफिस पर इंडिया नेट कलेक्शन 380 करोड़ का होने जा रही है। तो दोस्तों लगभग 60 करोड़ की फिल्म 10 दिनों में ही 380 करोड़ की कमाई कर रही है, जो बॉलीवुड के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है आगे इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको डेली का अपडेट मिलते रहे। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।